मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 मार्च 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर, शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ। आज महीने का पहला दिन है और आज कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। आज LPG सिलेंडरों के नए दाम तय होंगे, साथ ही में ट्रेनों के समय सारणी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैसे इसके बारे में कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो दे दिया है, फिर भी आज जो भी कुछ बड़े बदलाव होते हैं या LPG सिलेंडरों के दाम घटते हैं या बढ़ते हैं उसको लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको आगे बता दूंगा या अगले वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आने वाले दिनों में एयरटेल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में एयरटेल अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि एयरटेल इस साल सभी प्लान की रेट्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम छोटे तौर पर प्लान्स की रेट्स में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं जो टैरिफ को सही स्थिति में लाने के लिए जरूरी है। हालांकि प्लान्स में कितने की बढ़ोतरी हो सकती है यह उन्होंने अभी नहीं बताया है, लेकिन यह तय है आने वाले दिनों में एयरटेल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है। अगली बड़ी खबर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना ने मंगलवार को विधानसभा में अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होने की वजह से बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ गए हैं। अशोक चांदना ने कहा कि जब से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाकर 3500 से 4000 और 4000 से 4500 रुपए प्रति माह किया गया है, तब से चाहे कोई व्यक्ति बेरोजगार हो या नहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं। इसका पता जांच होने के बाद पता चलता है कि वह बेरोजगार है या नहीं। उनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता ज्यादा होना है, लेकिन हकीकत आपको बताऊं तो राजस्थान में बहुत सारे बेरोजगार ऐसे हैं जो भत्ते के पात्र है लेकिन उसके बावजूद भी उनको भत्ता नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता राशि बढ़ाकर युवकों के लिए 4000 वह महिला विशेष योग्य जन ट्रांसजेंडर के लिए 4500 रुपए प्रति माह की है। यह राशि अधिकतम 2 लाख युवाओं को दी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में 18 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। दरअसल सतीश पूनिया ने चांदना से सवाल किया था कि राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर क्यों है और बेरोजगारी भत्ते के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को केंद्र सरकार व पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए जमकर निशाना साधा है। इस दौरान सीएम गहलोत ने पेपर लीक व शिक्षक भर्ती परीक्षा पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 3.5 से 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून लाकर उनके मकान ध्वस्त करने जैसी कार्रवाइयां की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में चल रही परीक्षाओं में 50,000 लोगों को आगामी 1 से 1.5 महीने में हम नौकरी देंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने चिरंजीवी सेनेटरी नेपकिन व OPS जैसी योजनाओं की भी उपलब्धियां गिनाई। अगली बड़ी खबर भाजपा में आपसी खींचतान और नेताओं के बीच अंदरूनी संघर्ष के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 मार्च को चूरू के सालासर में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम वसुंधरा राजे के जन्मदिन से 4 दिन पहले रखा गया है और जानकारों की माने तो जन्मदिन महोत्सव पर वसुंधरा राजे 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश में है। भीड़ जुटाकर कहीं न कहीं वसुंधरा राजे एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। दरअसल आपको बता दूं वसुंधरा राजे खुद के सीएम की रेस में बने होने का लगातार मैसेज देती रही है और इस बार तो वैसे ही चुनावी साल है और चुनावी साल में सालासर में हो रहे इस आयोजन में अपनी ताकत दिखाकर कई निशाने साधेगी। और बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम के बाद भाजपा में सीएम के चेहरे की लड़ाई और तेज हो सकती है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है क्योंकि किसान अपने खेतों में कृषि कार्यों में जुटे हैं, लेकिन बीकानेर संभाग के जिलों के आसपास एक सक्रिय हुए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर में सुबह आसमान में बादल छाए रहे, धूल भरी हवा भी चली और गंगानगर के कुछ इलाकों में तो मंगलवार को सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। और बड़ी खबर यह है मौसम विभाग के अनुसार आज भी गंगानगर के साथ हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग के मुताबिक 4 मार्च से उदयपुर कोटा संभाग में भी एक हल्के प्रभाव का सिस्टम बनेगा जिसके कारण 4 और 5 मार्च को
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा सिरोही, कोटा और बारा में मौसम पलट सकता है। अगली बड़ी खबर भी काफी महत्वपूर्ण खबर है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है यह बम की तरह फट सकता है। हालांकि यह सब हमारी गलतियों की वजह से होता है। दरअसल बड़ी खबर 27 फरवरी को आई थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक 68 साल के बुजुर्ग की मौत मोबाइल के फटने से हो गई। दयाराम बारोड घर में चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन पर बात कर रहा था, इसी दौरान उसमें ब्लास्ट हुआ और बुजुर्ग के सिर से लेकर सीने तक के चीथड़े उठ गए। जानकारों की माने तो जब फोन चार्ज में लगा हो तो हमें बात नहीं करनी चाहिए और अपने मोबाइल फोन को गर्म होने से बचाना चाहिए और तकिए के नीचे मोबाइल रख कर भी न सोए। और खास बात यह है, अगर हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है तो उस दौरान बात करने से बचे, क्योंकि एक तो हमारा फोन गर्म पहले से ही हुआ होता है, उसके बाद जब चार्ज लगाते हैं तो बैटरी फटने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चे भारी भारी गेम्स फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी वजह से भी मोबाइल गर्म हो जाता है। बड़ी बात यह है कि अपने फोन को खाली रखें, फालतू फालतू के एप्स डाउनलोड न करें ताकि मोबाइल फोन गर्म कम से कम हो। राजस्थान की अगली बड़ी खबर दिल दहला देने वाली है। राजस्थान के सिरोही जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार की रात को एक नवजात बच्चे को अस्पताल के वार्ड से कुत्ते उठा के ले गए और बच्चे को मार डाला। घटना की जानकारी जब तक बच्चे की माँ को मिली तब तक नवजात को सत विकसित कर दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस जब मौके पर पहुंची तब जाकर अस्पताल प्रशासन नींद से जागा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोग परिवार को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदेश की एक और बड़ी खबर, जयपुर से अहमदाबाद के लिए पहली बार सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से यह ट्रेन 3 मार्च से शुरू होगी, जो अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, हिम्मतनगर होकर चलेगी। दरअसल आपको बता दूं, अभी जयपुर से अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन का संचालन नहीं होता है। इस ट्रेन के चलने से जयपुर से गुजरात जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। यह ट्रेन जयपुर से 3 मार्च से हर रोज शाम 7:35 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 8:50 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। और 4 मार्च से हर रोज शाम 7:45 यह ट्रेन अहमदाबाद से जयपुर के लिए रवाना होगी। देश की एक और बड़ी खबर और किसानों के लिए बड़ी खबर, खाने का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। यह प्याज खाने वालों को तो राहत दे रहा है लेकिन खिलाने वालों को रुला रहा है। खाने वाले लोग सस्ते प्याज से खुश है लेकिन दूसरी तरफ प्याज की फसलों की उचित कीमत नहीं मिलने से उगाने वाला किसान आंसू बहा रहे हैं। प्याज की लगातार गिरती कीमतों से निराश किसानों ने मंडी में प्याज की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दूं, प्याज की कीमतें इन दिनों में थोक में 4 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिससे किसान मायूस है। किसानों का कहना है कि लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है और बड़ी बात तो यह है कि अगले महीने रबी सीजन वाला प्याज आने से आवक और जोर पकड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज के भाव और गिर सकते हैं। देखिए, बड़ी बात यह भी है, जब भी कोई उपज किसानों के पास रहती है तब तक उसके भाव नीचे रहते हैं और जब यह उपज व्यापारियों के हाथ चली जाती है तो अचानक इनके दाम बढ़ जाते हैं और कहीं न कहीं यही कारण है कि देश का किसान उन्नति नहीं कर पाता। तो फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।